अच्छा जी, ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके जो कपड़े हैं वो बहुत अपडेटेड होने चाहिए, बहुत ट्रेंडी होने चाहिए। कपड़ों को जब आप कपड़ों की सिलेक्शन करो तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि ना तो इतने हैवी कपड़े हों कि आप सिर्फ एक दफ़ा पहन सकें, और ना ही ऐसे कपड़े होने चाहिए कि वो हमेशा आपकी वार्डरोब में रखे रहे, बल्कि मेरे ख्याल से कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत आई कैची भी हों। और चूँकि गर्मियाँ भी है, गर्मियों का सीज़न भी है, गर्मियों में तो वैसे ही ना लॉन या कॉटन या इस तरह के जो कलर्स होते हैं, स्पेशली जो डार्क शेड होते हैं, मुझे लगता है वो थोड़े कम अट्रैक्ट करते हैं बजाय इसके कि हम लाइट शेड्स पे जाएं। अच्छा, ये मैं अपनी राय दे रही हूँ। आजकल क्या ट्रेंड इन है और किस ट्रेंड से आजकल आपने बचना है। ड्रेस डिज़ाइनर तस्नीम सदफ इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल सुन रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने भी तस्नीम का जोड़ा पहना हुआ है और मैंने सोचा कि पहले तस्नीम से मैं अपने लिए जोड़ा मंगवाती हूँ, फिर मैं तस्नीम से बात करूँगी कि अभी जो इनकी कलेक्शन आ रही है गर्मियों के हवाले से। मुझे बताएं तस्नीम, गर्मियों में हम चाहते हैं कि जो आपके ड्रेसेस हैं बड़े अच्छे हों, यू नो एक सुकून वाला आपको वो दे तासुर, किस तरह के ड्रेसेस की चॉइस आपको रखनी चाहिए गर्मियों में? देखिए, आपको पता है कि ये तो हम कह नहीं सकते कि समर सीज़न में कोई मतलब हमेशा से आपको पता है कि हमारे मुल्क में समर बहुत शदीद होता है। हाँ, और लंबे अरसे एग्जैक्टली। तो जब ये सारा सिस्टम होता है, सब पता है ऑलरेडी पहले से डिज़ाइनर्स को, तो हम उसके ऊपर लाइट फैब्रिक पे जाते हैं, लाइक लॉन हो गया, कॉटन हो गया, लाइट जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जो आपको मतलब ये कि सुकून दे, आराम दे, अच्छा फील करवाए और एक आपको पहन के भी सामने वाला भी जो आपको देखे तो उसको लगे कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है आप डे टाइम में जो भी पहने ड्रेसेस, तो लाइट कलर्स जो है पेस्टल कलर्स वो अच्छे लगते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने आपको दिया, ये मेरी ईद कलेक्शन में से है। ओके, रमज़ान है, फिर रमज़ान के बाद ईद है जी, बिल्कुल। ईद पे ख़वातीन परेशान होती है कि जी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, और ये इस तरह से है कि रमज़ान में भी इस तरह के ड्रेसेस पहन सकते हैं जैसे आपने पहना है। ये प्योर कॉटन के ऊपर है, इसके ऊपर खाड़ी का दुपट्टा है, उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट करवाए हुए हैं क्योंकि ब्लॉक प्रिंट इन है। तो आप उसको ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा काम और चीज़ों से वो कर लें, बारीक सी लेस लगाई हुई है, कट दिया हुआ है। उसके अलावा लॉन्ग शर्ट्स इन हैं तो ज़ाहिर है समर में, रमज़ानों में आपको अफ्तारी पे जाना हो, ईद पे हो, लेडीज़ दिन भर काम कर रही होती हैं, तो लाइट कलर्स, वाइट कलर है, उसके अलावा लेवेंडर है, पेस्टल्स के सारे शेड्स हैं, खूबसूरत लगते हैं। बट इन द इवनिंग के लाइक अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो आप उसको डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप इफ्तार में जा रहे हैं, आप डिनर पे जा रहे हैं, तो आप डार्क कलर चूज़ कर सकते हैं। लाइक मरून हो गया, डीप रेड हो गया, खूबसूरत है आजकल इन है, या बिल्कुल। उसके अलावा पर्पल कलर है वो इन है। ये सारे मस्टर्ड तो मेरा फेवरेट है, तो हर खातून पे। हाँ, बल्कि जो आपने पहना हुआ है पिस्ताशियो है, मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने कहा मैं पहले महक को ये वाला कलर पहले महक के ऊपर हम देखेंगे कैसा लग रहा है, फिर हम बाकी को देंगे। अच्छा तस्नीम, मुझे ये बताएं कि अक्सर ख़वातीन गलती ये करती हैं कि भारी भरकम जोड़े ख़रीद लेती हैं, ठीक है जी। और अच्छा, मैंने शुरू में ये बहुत गलती की और वो अभी तक मेरी वार्डरोब में हैं, वो पहनने का मौका नहीं मिलता। जब जब मैं उन कपड़ों को देखती हूँ मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ये कपड़े पहनने का है। आप ख़वातीन को क्या सजेस्ट करेंगी? बाज़ार जा रही हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, सबसे पहले किस चीज़ को माइंड में रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपका ओकेज़न क्या है, आपको मतलब किस इवेंट में जाना है, आपको लाइक घर में यूज़ के लिए कपड़े पहनने, या आपको ऑफिस के लिए जाना है, या आपको किसी गैदरिंग में, डिनर पे, शादी, मतलब ईद के बाद शादियां भी शुरू हैं। आपको सबसे पहले माइंड में ये रखना है। फिर आपको अपने बजट का ख्याल रखना है कि आपके पास कितना बजट है। और अगर आप एक किसी को देख के चिटिंग कर रहे हैं कि हमने यही पहन लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लग रही है। और अगर आप कोई बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस लेते हैं और वो आपके ऊपर सूट भी ना करे, तो फिर फ़ायदा कि आपकी वार्डरोब में रखा हुआ है। तो आपके पास जैसे बहुत सारे ऐसे हैवी ड्रेसेस मौजूद हैं, लोग अपनी शादियों पे भी बनवाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप अपने इवेंट्स के हिसाब से आप उसको दोबारा से रिसाइकिल करें, ठीक है, आप उसमें डिज़ाइनिंग चेंज करें, आप हैवी भी लें बट आप इवेंट देखते हुए लें, ठीक है। अच्छा तस्नीम, अक्सर ख़वातीन आपके पास आती होंगी यू नो कस्टमाइज ड्रेसेस के लिए कि जी तस्नीम हमने ये देखा है, ऐसा बना दें, या हम हमारी ये पसंद है ये। आप ख़वातीन को क्या एडजस्ट करती हैं कि हमेशा लाइट उस पे जाएं, भारी काम ना रखें अपने कपड़ों पे? क्योंकि अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमने उसको ये जोड़ा पहने हुए देखा था ना, उस पर इतना अच्छा सूट करा, मेरे पे भी करेगा, जबकि हर चीज़ हर किसी पे अच्छी नहीं लगती। नहीं, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि आपने ये देख लिया। पहली बात तो हम रेप्लिका नहीं बनाते हैं, ठीक है, मगर जब वो कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसी चीज़ बताते हैं हमें, वह पूछते हैं। इवन मेरे ही अपने ड्रेसेस, ज़ाहिर है ब्राइडल में आपको पता है कि माशाल्लाह ब्राइडल हमारा बहुत ज़बरदस्त है, ब्राइड हमारा बहुत अच्छा है, फॉर्मल्स अच्छे हैं, फिर हमारा मेंस कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो है ना उनसे ही पूछते हैं कि आपको जाना किधर है, आपका बजट क्या है, सिस्टम क्या है, फिर हम उसको बताते हैं कि आपके ऊपर ये कलर सूट करेगा फिजिक के हिसाब से, कि ये चीज़ उसके ऊपर अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं आप पर भी अच्छी लगे। और फिर ये कि उनको प्रॉपर मैनेज करके देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स जो समझ रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उनका बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। अच्छा तस्नीम, अभी हम देखते हैं कि समर में बहुत सारे ऐसे प्रिंट्स इन हो जाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं। कुछ ख़वातीन नहीं जाना चाहती बड़े प्रिंट्स के साथ, लेकिन मेजॉरिटी हमें ब्रांड्स पर बड़े प्रिंट्स मिलते हैं, कहीं पर हमें फ्लोरल प्रिंट्स मिल जाते हैं जो कि हम पिछले 2 सालों से इन होते हुए देख रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है और आई थिंक इसको भी चेंज होना चाहिए? हर साल अभी कोई जिद्दत हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैं देख रही थी जगह जगह पर प्रमोशन चल रही थी जी कि समर कलेक्शन इन होने वाला है, हर ब्रांड की बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, लेकिन कुछ नया मुझे नहीं लगा, मतलब वही चीज़ जो मैंने पुरानी उसमें देखी है। सो डू यू रियली थिंक कि इसमें चेंज आना चाहिए? बिल्कुल चेंज आना चाहिए। बहुत सारे आर्ट्स हैं, आप उसको करें, आप अपने नेचर से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। लाइक मैंने भी यही देखा है कि बड़े बड़े फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें सब चल रही हैं। जैसे मैंने आपको जो ड्रेस पहनाया, देखिए इसके अंदर भी है एक खूबसूरत डिज़ाइन है, मगर ये कि आप देखें इसको ब्लॉक प्रिंट करके हमने उसको लाइट किया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट्स हों तो फिर उसके लिए आपको अपनी फिजिक और आपको देखना चाहिए कि आपकी हाइट कैसी क्या है, आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करिए। बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको पहनना क्या है, अब जैसे ये ट्रेंड है फ्लावर्स का, चीज़ों का, ज़ाहिर है स्प्रिंग समर तो लोगों के माइंड में फ्लावर्स ही आते हैं। आपका कल्चर डे हो या कोई बसंत, कोई भी कुछ इस तरह का सिस्टम होता है तो सबके माइंड में जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ इस तरह करें कि प्रिंटेड दुपट्टा ले लें, उसके ऊपर प्लेन कलर का कोई ड्रेस ले लें, लाइक मस्टर्ड के साथ प्रिंटेड वो ले लें, प्लेन मस्टर्ड ड्रेस ले लें, कोई बटन्स लगा लें, कट गोल दामन ले लें, पटियाला शलवार इन है, स्ट्रेट ट्राउजर्स इन है, लाइक आजकल आपको पता है बूट कट इन है, फ्लैपर्स लॉन्ग शर्ट्स इन है। बहुत सारे कट्स हैं और डिज़ाइंस हैं जो आप ले सकते हैं। अच्छा तस्नीम, आपको नहीं ऐसा लगता कि वो डिज़ाइंस और वो स्टाइल जो कि एक टाइम पे अपनी अम्मा के टाइम पे देखते थे वो दोबारा इन हुए हैं? हाँ, मैं तो कभी भी मैं कोई ऐसा ड्रेस कर मेरी कहती ये तो हमारे टाइम का है। हाँ, मैं हैरान होती, मैं कहती हूँ ये आपके टाइम में भी था। तो वो चीज़ें वापस आई हैं। देखिए हमेशा फैशन जो है वो रिवर्स होता है। और जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तो आपको आप 60s चले जाएँ, आप 50s का फैशन, 70s का फैशन देख लें। पहले शॉर्ट शर्ट्स थी, फिर अभी लॉन्ग आ गई, तो सारी चीज़ें आप देख लें। साड़ीज़ कितनी इन हो गई हैं, लाइक इतना अंदाज़ा नहीं था जितनी अभी साड़ीज़ इन हो गई। सीक्वेंस फैब्रिक है वो सारा इन हो गया, वही सारी पुरानी चीज़ें। लाइक गरारा है, वो जो हमारे अम्मी के ज़माने के जो वो फैले हुए गरारे नानी दादी जो पहनती थी वो कितना इन है। लाइक मुझे इतना अच्छा लगता है। इवन जैसे मैं ड्रामास वगैरह में भी ज़ाहिर प्रॉपर स्क्रिप्ट से काम कर रही होती हूँ, तो उसके अंदर गराराज, साड़ीज़ और पुराने स्टाइल की शर्ट्स, ट्यूलिप शलवार, ये सब कुछ इन है। तो ये सारा फैशन रिवर्स होकर आता है। और फिर जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन ड्रामों में देखते ना, फिर वो कहते हैं ओहो उसने ये पहना था तो मुझे भी यही चाहिए और मुझे भी ऐसा जोड़ा चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं,